Find the equation of line passes through the point this. इस पॉइंट से पास होना है एंड पैरेलल टू दीज टू प्लेन्स. एक प्लेन ये है इसके पैरेलल और एक प्लेन ये है इसके पैरेलल. इन दोनों में वाई कॉमन ले लेना तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन लिखी जा सकती है. देखो टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स. वाई कितना गया माइनस एक्स अपॉन टू. थ्री वाई इक्वल टू जेड तो वाई इक्वल टू जेड अपॉन थ्री. तो माइनस का एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री. ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन. यानी कि ये जो लाइन है इन दो प्लेन के पैरेलल है ना, तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसके पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो इस लाइन से अच्छा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी. तो ए वेक्टर तो यहाँ से मिल जाएगा थ्री आई जीरो जे प्लस के. और बी वेक्टर कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस नीचे लिखें माइनस का टू आई प्लस का वन जे प्लस थ्री के. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी. क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो इसकी इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी चाहिए. यानी कि एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जीरो जेड माइनस माइनस टू वन और थ्री. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू वाई अपॉन वन. तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है, बहुत हर करेक्ट.